टाइम ऐसा चीज़ है दोस्त, आप एक बार यूज करेंगे तो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान के लिए होगा। तो जब ये चीज़ लॉन्च हुई पूरी दुनिया में, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इंटरनेट पे लोग जाके पढ़ाने भी लग गए और लोग इंटरनेट से सीखने भी लग गए, जिससे दोनों को फायदा हुआ। जो पढ़ा रहा है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है, वो अपने घर बार को चला पा रहा है, अपने काम रोजगार को चला पा रहा है, और अपने लिए जो रिजक की बहाली है उसको कर रहे हैं। और जो सीख रहा है, तो जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सीख रहा है, ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो गया। तो इस फायदे के लिए इंटरनेट को और वीडियोस को बनाया गया, वीडियो इंजन्स को बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए, जो लव स्टूडेंट हैं हमारे, जो सीखने और सिखाने का अमल है ये आसान हो सके, लोगों ने इसका गलत फ़ायदे उठाना शुरू कर दिया। आजकल आप सबके सामने लोग इस पर गाने सुनते हैं, लोग इस पर मूवीज़ देखते हैं, लोग इस पर ड्रामास देखते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, वो अलग बात है। लेकिन हमारे लोग हद से ज़्यादा पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। पूरी पूरी रात हमारे नौजवान जागे रहते हैं, कोई गेम खेल रहा है तो कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई गाने सुन रहा है, तो कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई ड्रामास देख रहा है। और ये डेफिनेटली हमारी पढ़ाई पे, हमारे कैरेक्टर पे, हर एक चीज़ पे एक दाग डाल रही है, एक नुकसान पहुँचा रही है। सबसे पहली बात अगर करें तो हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या है कि जब हम टू मच, हम जब स्क्रीन को देखते हैं, डिस्प्ले को देखते हैं, हमारी आईज दर्द करना शुरू करती हैं, आंखों की नज़र हमारी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका मेंटल, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो हेल्दी तब बनती है, आपका दिमाग, आपका जहन हेल्दी तब बनता है जब आपकी फिजिकल काम ज़्यादा हो। रहा था सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो हमारे नौजवानों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका नुकसान आप सबके सामने। हमारे नौजवान स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो जाते हैं, डिग्रियाँ तो हासिल कर पाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो किरदार नहीं बन पाते, वो कमाल नहीं कर पाते जो कि उनको करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम सिर्फ इदारों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और इंटरनेट और यूट्यूब हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि हम उसके गलत इस्तेमाल को बंद करके उसके अच्छा जो इस्तेमाल है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, हम उसका यूज़ करना शुरू करें। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा नफ्स हम पे इतना भारी हो चुका है कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट इन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, पढ़ाई इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। हम पूरी पूरी रात अगर जाके मूवीज़ देखते रहें, गाने सुनते रहें, तो हम बोर नहीं होते। एक लम्हे के लिए किताब उठाकर क्या पढ़ लिया, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इस हद तक हम पहुँच चुके हैं। तो आप खुद सोचें कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हम तो हम जन्नत में करेंगे, इस दुनिया में हम मेहनत करने के लिए आए हैं, तो वो उस एज में भी वो मेहनत करते रहे, ठीक है, वो जितने भी मुशरिक थे, जितने भी कुफार थे, उन सब के खिलाफ लड़ते रहे, और हम इस उम्र में भी जो कि काम का उम्र है, मेहनत करने का उम्र है, हम इसमें घर बैठे आराम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुँचा रहे हो। आपको पता भी है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप इसको कर रहे हो, इससे बड़ी जहालत की बात क्या होगी हमारे लिए? हमारी स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, डिग्री हासिल करने का क्या फ़ायदा? सो ये एक रिक्वेस्ट है, टाइम ऐसा चीज़ है गाइस, एक बार जब टाइम गुजर जाएगा ना, तो इसके बाद आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी आपके पास पैसा है, आप उन टाइम को कभी खरीद नहीं सकते हैं। बिकॉज आई नो व्हाट इज़ टाइम वैल्यू, और मैं आप सबको ये बता सकता हूँ कि टाइम को अगर करना है तो किस तरीके से यूज़ करें। आजकल के यंग स्टार का एक बड़ा मिस्टेक है, टेक्नोलॉजी आपका दिमाग को यूज़ कर रहा है, पर उल्टा हो रहा है। टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहिए था, बट वाई, इसका एक दूसरा रीज़न है, दिस इज़ रॉन्ग हो रहा है गाइस। यू नीड टू फोकस योर लर्निंग, यू नीड टू फोकस योर एक्टिविटी, प्लीज़ डू नॉट फोकस अदर वीडियोज़। प्रैंक वीडियो यानी कि कमांडी वीडियो देखते देखते एक दो घंटा निकाल देते हैं गैस। यदि आप अपना पढ़ाई पे, आप अपना स्टडी पे उतना 5-6 घंटा फोकस कर लें, आपका ज़िंदगी एक महीना में सही दिशा पे पहुंच सकती है। इसीलिए टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ करेंसी गैस। आप किसी से भी पूछ लो, टाइम का ही ज़्यादा वैल्यू समझा जाता है आज की डेट में। और यहाँ पर जितने भी जो हैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेट ऐसा है कि आप इनसे बेनिफिट भी ले सकते हैं, आपका ज़िंदगी ख़राब भी हो सकता है। यदि आप गलत तरीक़े से यूज़ करेंगे तो गलत होगा, अगर सही ढंग से यूज करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं
इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये मैसेज दे रहा हूँ। और यार अगर आपको दिन लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना दो कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं।